हेलो गाइस, आपका इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज आप बात करेंगे कि स्टेप शीट से अपने जो बैकग्राउंड है उसको चेंज कैसे किया जाए। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों फुल वॉच करना। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो पहले आपको स्टेप शीट ऐप ओपन करना। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो आपको पहले क्या करना है, जो बैकग्राउंड ऐड करना है उसके पहले ऐड कर लेंगे। तो मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो दोस्तों हमने बैकग्राउंड ऐड कर लिया। अब बैकग्राउंड ऐड करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अपनी जो पिक है उसे ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, तो आपको टूल्स का जो ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों इस पर टैप करना है और सबसे लास्ट एंडिंग में जाना है। तो आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको इस पर टैप करके अपनी यहाँ गैलरी का ऑप्शन आएगा, इस पर टैप करके अपनी पिक ऐड कर लेनी है। तो यहाँ से तो दोस्तों पिक ऐड कर ली। अब पिक ऐड करने के बाद आपको पहले सही ढंग से सेट कर लेनी है अपनी पिक कहाँ पर सेट हो रही है, कुछ इस तरह से। करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसकी ओपेसिटी को फुल कर लेनी। तो ओपेसिटी को हम फुल कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ओपेसिटी को फुल करने के बाद आपको दोस्तों राइट के साइड पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद फिर आपको क्या करना है, जो हमारा बैकग्राउंड दिख नहीं रहा है तो उसको लेटर लाने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर टैप करना है, और यह व्यू एडिट्स का ऑप्शन पर दिख रहा है इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद फिर आपके यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर टैप करना है, और सेकेंड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों आपको इस पर टैप करना है। आप अपनी पिक हट चेक की तो उसको रिटर्न लाने के पहले आपको इस तरह से पहले कर लेनी है, रिटर्न लाना है, और उसके बाद आपको जो 100 दिख रहा है उसको जीरो कर लेना है। जीरो करने के बाद फिर इसको आपको धीरे धीरे से कुछ इस तरह से कर लेनी। तो मैं फटाफट कर देता हूँ। क्या करना है दोस्तों, राइट के साइड पर टैप करना है। टैप करने के बाद हम इस पर कुछ इफेक्ट देंगे तो उसके बैक आ जाना है। अब इफेक्ट देने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर टूल्स का ऑप्शन दिख रहा है इस पर टैप करना है और सिलेक्टिव पर टैप करना है। उसके बाद आपने जो फेस दिख रहा है इस पर आपको कुछ इस तरह से कर लेनी है। थोड़ी ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा देता हूँ यहाँ से इस तरह से। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ाऊँगा। को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। हम बढ़ाने के बाद थोड़ा यहाँ पर हैंड पास थोड़ा लगा देते हैं। कुछ इस तरह से। उसके बाद दोस्तों आपको राइट साइड पर टैप करना है और इसके बाद टूल्स पर टैप करेंगे और इस पर टैप करना है और इसकी थोड़ी सी कम कर लेना है। कम करने के बाद आपको राइट साइड पर टैप कर देना है। अब दोस्तों हमारी पिक कुछ इस तरह से हो चुकी है। और उसके बाद दोस्तों आपको और भी कुछ इसमें रिटच करना हो तो आप कर सकते हो। मेरे अंदर से यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं तो मैं रिटच का थोड़ा उपयोग कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपको कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, हमने बैकग्राउंड क्लियर करना आसानी के साथ आपको बता दिया। और दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, तो मैं जल्द से जल्द एक नया लेटेस्ट वीडियो के लिए लाऊँगा। तो दोस्तों ये वीडियो को कैसा लगा, कुछ भी इसमें नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। तो मैं दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।